Welcome to Git Academy Plus. So today in the module 3 of DC machine, we are going to continue our discussion on armature reaction in DC machine. In the last lecture, we discussed some of the basic things which were required to understand what exactly it means the armature reaction. In the last lecture, we discussed about the basic terms that what does it mean quadrature axis, direct axis, and then we discussed about the geometrical neutral axis, magnetic neutral axis, trailing pole tip, leading pole tip, the rotation of the generator, rotation of the motor, how does it actually takes place, how does the geometric neutral axis and magnetic neutral axis coincide with each other at no load, how does the magnetic axis get shifted from the geometric neutral axis during the loaded condition. All these things yesterday in the last lecture we discussed. In this particular lecture, we will continue our discussion from the yesterday's last lecture or from last point where we had yesterday left. देखिए अपने last lecture में ये देखा था कि आपके पास जो भी कुछ होता है कि इसमें trailing pole tip जो होती है, leading pole tip जो होती है, कहाँ पे आपके पास जो total resultant field जो आती है, कहाँ पे strengthening nature की आती है, कहाँ पे weak nature की आती है, उसको मैं थोड़ा एक बार फिर से revise कर देता हूँ और अपन उसको ये करते हैं. और मैं कुछ अच्छे अच्छे बता दूँ कि जब मैं आपको conclusion बताया था at no load पे, जो मैंने कंक्लूजन बताया था उसको भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करके देता हूँ. ठीक है, कंक्लूजन्स. तो एट नो लोड पे मैंने क्या बताया था आपको, देखिए एट नो लोड और फुल लोड दोनों केस में, या लोडेड कंडीशन दोनों इसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं. एट नो लोड पे देखिए अपन ने क्या देखा था, एट नो लोड पे अपन ने देखा था कि जी एन ए एंड एम एन ए कोइंसाइड विद ईच अदर, जी एन ए एंड एम एन ए कोइंसाइड coincide with each other, GNA and MNA coincide with each other. ठीक है, एट नो लोड. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि phi f is equals to what, phi r, ऐसा बताया था. उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था phi a is equals to 0, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप लोडेड कंडीशन की बात करोगे, एट लोडेड कंडीशन, ठीक है, व्हेन आर्मेचर करंट इज नो एट 0, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई ए इज इक्वल्स टू 0 एट लोडेड कंडीशन. अपन ने क्या डिस्कस किया था, एट लोडेड कंडीशन जी एन ए एंड एम एन ए, मैं लिख सकता हूँ कि एम एन ए शिफ्ट फ्रॉम जे एन ए बाय एन एंगल बीटा, ऐसा मैं लिख देता हूँ, चाहे तो एम एन ए शिफ्ट फ्रॉम जी एन ए by an angle beta, by an angle what, beta. ये अपने लास्ट लेक्चर में देखा था. ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था क्या, जो phi r आएगा आपके पास, phi r is going to be what, phi a plus what, phi a, इन दोनों का क्या आएगा आपके पास, वेक्टर एडिशन आने वाला था. ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, तो उस टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था आर्मेचर करंट एंड फील्ड, आर्मेचर करंट एंड फील्ड, आर्मेचर फील्ड बोथ वेयर नॉट इक्वल्स टू 0, बोथ वेयर नॉट इक्वल्स टू वॉट, 0 के बराबर नहीं थे, इसका मतलब क्या, लोडेड कंडीशन है, तो ऑब्वियसली कि उसमें कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा और वहीं पे अपन ने उसको डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये अपने लास्ट लेक्चर में देखा था. उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, मैं जनरेटर और मोटर के लिए आपको बताया था कि रिजल्टेंट फील्ड at pole tips, at what, different pole tips, ठीक है, resultant field at different pole tips. देखिए किस टाइप से थे आपके पास, मैंने आपको बताया था कि जब अपन उसको डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि किस टाइप से उसका डिस्कशन होने वाला था. तो जनरेटर के लिए कैसे था, मोटर के लिए कैसा था. ठीक है, सपोज अगर मैं उसको इस स्टेप से बताओ, वो देखिए किस स्टेप से आने वाला है. इस स्टेप से यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी जनरेटर एंड अनदर वन विल बी व्हाट, मोटर. तो यहाँ पे लिखेंगे अपन जनरेटर के लिए, ठीक है, सो दिस विल बी जनरेटर, दिस विल बी व्हाट, मोटर. इस टाइप से रहेगा, तो ये क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी ट्रेलिंग पोल टिप या लीडिंग पोल टिप, ठीक है, दिस विल बी लीडिंग पोल टिप, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ट्रेलिंग पोल टिप. ठीक है,
जब जनरेटर के लिए बात करेंगे तो ट्रेलिंग पोल टिप, सॉरी लीडिंग पोल टिप पे देखिए क्या लिखोगे आप। ठीक है, इसको थोड़ा मैं एग्जैक्टली सेंटर में ले लेता हूँ, चाहे तो लीडिंग और बाद वाले को आप लिखेंगे ट्रेलिंग। ये बनेगा आपके पास लीडिंग पोल टिप पे जो नेचर आने वाला था आपके पास रिजल्टेंट फील्ड का। आप देख सकते हो कि इन केस ऑफ जनरेटर लीडिंग पोल टिप पे क्या था, यहाँ पे वीकनिंग नेचर की थी और ट्रेलिंग पे कैसा था स्ट्रेंथनिंग नेचर की थी। ठीक है, तो अपन उसको लिख लेते हैं जो आपके पास लीडिंग पोल टिप है यहाँ पे कैसा आपके पास वीक नेचर की मैग्नेटिक रिजल्टेंट फील्ड आएगी। सो दिस इज नथिंग बट वॉट वीकनिंग नेचर की रिजल्टेंट फील्ड है। कैसी है? वीकनिंग नेचर की है। सो दिस इज वीकनिंग नेचर की रिजल्टेंट फील्ड है और यहाँ पे कैसे आ जाएगा आपके पास ट्रेलिंग पोल टिप पे स्ट्रेंथनिंग नेचर क्या आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं मोटर के लिए बात करूंगा तो लीडिंग पे क्या आ जाएगा आपके पास इन केस ऑफ मोटर। देखिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करो, वहां से अपने आप पता चल जाएगा। मोटर के केस में लीडिंग पे कैसा आपके पास स्ट्रेंथिंग नेचर की और आपके पास ट्रेलिंग है वहां पे कैसा होगा, बिल्कुल सही वीकनिंग नेचर की होगी। लीडिंग पे होगा आपके पास स्ट्रेंथनिंग नेचर की रिजल्टेंट फील्ड होगी। सो दिस इज स्ट्रेंथनिंग और दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट वीकनिंग नेचर की रिजल्टेंट फील्ड होगी। ये कैसे होगी? वीकनिंग नेचर की रिजल्टेंट फील्ड होने हैं, इस टाइप से आने वाला था आपके पास। ये सब मैं आपको उस टाइम पे डिस्कस किया था, ट्रेलिंग पोल टिप का मतलब क्या होता है और लीडिंग पोल टिप का मतलब क्या होता है। मैंने बोला था कि जब आपका कंडक्टर जिस मतलब रोटर जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो उस कंडक्टर को सबसे पहले जो पोल की जो टिप फेस होगी उस पोल को तुम बोलोगे क्या, लीडिंग पोल टिप बोलोगे। उसके बाद में जो उसी पोल की जो सेकंड टिप होगी जो उसको बाद में मतलब रोटेशन के थोड़ा कुछ समय के बाद उसको जो फील होगी उसको तुम बोलोगे क्या, ट्रेलिंग पोल टिप। तो लीडिंग पोल टिप का मैंने मतलब बताया था, ट्रेलिंग पोल टिप का मैंने मतलब बताया था। उसके बाद अपने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट डज इट मीन जीएनए एमएनए। GNA is the axis which is perpendicular to the field axis. MNA is the axis which is perpendicular to the resultant field axis. When we discuss about what a loaded condition, in that loaded condition we discuss about MNA, that MNA shifts from GNA by an angle of beta, and these all things happen just due to because of armature reaction. And armature reaction के दो अलग अलग इफेक्ट मैंने बताया था आपको। आर्मेचर रिएक्शन का जो एक्चुअल जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है आपके पास, द मेन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज टू रिड्यूस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड टू डिस्टॉर्ट द वेवफॉर्म ऑफ व्हाट, टू डिस्टॉर्ट द वेवफॉर्म ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको बताया था आपको उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पास जो आर्मेचर जो फील्ड आने वाली, एक्चुअली आपके आर्मेचर फील्ड के दो अलग अलग दो तीन अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है आपके पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि मैंने उसका वेवफॉर्म अगर आपको ड्रॉ नहीं करके दिया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अपन उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं अभी यहां पे। ठीक है, तो ये था आपके पास, देखिए किस टाइप से आपके पास इसका नेचर आने वाला है। तो ये जो आपके पास जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है कि मैंने बोला था कि क्योंकि मेरे पास जो मैंने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास जो मेन फील्ड थी, मेन फील्ड का डायरेक्शन मैंने देखिए किस डायरेक्शन में लिया था, दिस वाज माय मेन फील्ड। उसका डायरेक्शन जो था कैसा था, राइट डायरेक्शन में था, लेफ्ट में, लेफ्ट में था। तो देख सकते हो कि आप दिस इज ऑल्सो लेफ्ट। ठीक है, उसको मैं बोलूंगा क्या मेन फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, मेन फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसको मैं दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, तो जो मेन फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बॉट फाइ एफ, मैं उसको बोल देता हूँ। ठीक है, दिस विल बॉट फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में आने वाला है। ठीक है, अब जब फील्ड फ्लक्स जो होगा उसको जो परपेंडिकुलर जो फील्ड आएगी आपके पास उसको तुम क्या बोलोगे, द फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू वॉट मेन फील्ड दैट इज गोइंग टू वॉट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो कौन सी फील्ड होने वाले आपके पास, दिस इज नथिंग बट वॉट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो दिस इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड होने वाले आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो मेन फील्ड है उसको जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड एक्ट करेगी दैट विल बट दिस विल बी नथिंग बट डी मैग्नेटाइजिंग नेचर की फील्ड आएगी। कौन सी फील्ड आएगी, डी मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, इसी फील्ड के सेम डायरेक्शन में जो फील्ड आएगी आपके पास दिस इज गोइंग टू बट दिस इज गोइंग टू बी डी मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग। देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो गया, डी मैग्नेटाइजिंग हो गया और इसी के डायरेक्शन में जो आएगा डेट विल डॉट डेट विल बी नथिंग बट मैग्नेटाइजिंग नेचर की फील्ड आएगी। कौन सी फील्ड आएगी, मैग्नेटाइजिंग नेचर की फील्ड आएगा। और मेरे हिसाब से आपको शायद ये बहुत ही अच्छे से पता होगा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होती है आपके पास मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड जब दोनों फील्ड जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसको तुम बोलोगे क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आता है दैट कम्स इनटू पिक्चर जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन व्हेन योर आर्मेचर फील्ड एंड योर मेन फील्ड बोथ द फील्ड्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन एट दैट टाइम द स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट विल कम इनटू द पिक्चर। और अपने देखा था कि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देखिए कहां कहां पे आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आ रहा था, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आ रहा था। लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे ये भी बोला था कि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज वॉट, इट इज लेस डोमिनेटेड एज कम्पेयर टू वीकनिंग इफेक्ट। सो वीकनिंग इफेक्ट विल शो इट्स डोमिनेंस ओवर द व्हाट, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। क्योंकि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट विल बी व्हाट, इट विल बी लेस डोमिनेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट सैचुरेशन विल बी द
लिमिट ड्यू टू विच इट विल नॉट गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। बात समझ में आ गया। सैचुरेशन की वजह से क्या होगा ना, जो रिजल्टेंट जो आने वाला है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता कि जितना आपके पास वीकनिंग में क्या हो सकता है, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास जो मेन मैग्नेटाइज जो मेन फील्ड है और डीमैग्नेटाइज जो अपोजिट फील्ड है, दोनों फील्ड की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी दैट विल गॉट रिड्यूस फील्ड, दैट विल गॉट रिड्यूस फील्ड। तो अपने उस टाइम पे ये भी बताया था मैंने कि रिड्यूस फील्ड की स्टेप्स आने वाली थी। ठीक है, तो चाहे तो अगर आपको अगर भूल गए होंगे या देखा नहीं होगा लास्ट लेक्चर तो ठीक है, मैं उसका वेबफॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ वो किस स्टेप से आया था। तो देखिए आपके पास स्टेप से आपके पास ये क्या होने वाला है, दिस इज व्हाट दिस इज मेन फील्ड 5F। ठीक है, और 5F कहने से बेटर मैं उसको कह सकता हूँ डायरेक्टली रिजल्टेंट फील्ड बोल सकता हूँ, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ रिजल्टेंट फील्ड। और आपके पास यहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप आर्मेचर फील्ड या आर्मेचर करंट वगैरह बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आएगा आपके पास आर्मेचर करंट। ठीक है, अब मैं जब इसकी बात करूँगा तो यहाँ तक अगर आप देखो तो उसको देखिए यहाँ तक कैसे आपके पास यहाँ तक दोनों तो मतलब सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, सेम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, सेम क्या करने वाले यहाँ पे इंक्रीज करने वाले। उसके बाद अगर सपोज आप देखोगे तो देखिए अगर आप देखोगे तो वहाँ से एक बात पता चलेगी, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज नॉट दैट मच डोमिनेटेड ओवर द व्हाट वीकनिंग इफेक्ट, मतलब कि वीकनिंग इफेक्ट जितना डोमिनेटिंग है उतना आपके पास स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट नहीं है। अगर उसका डोमिनेंस वहाँ पे ज्यादा, उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज्यादा अगर एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या जो भी अपन को देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी द वीकनिंग इफेक्ट। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जो होगा आपके पास वीकनिंग इफेक्ट, मतलब कि कोई वीकनिंग इफेक्ट जो भी होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, बिलो द सैचुरेशन रीजन होने वाला है। और जो स्ट्रेंथनिंग होगा वो कहाँ पे होगा, अबो जी मतलब सैचुरेशन उसके ऊपर जाएगा तब आपके पास क्या होने वाला है स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखिए ये वाला जो इफेक्ट होगा, अगर यहाँ पे अगर आप बात करो तो देख सकते हो कि आप इतना जो इंक्रीज होगा, देखिए दिस मच इज इंक्रीज ऑनली, इतना सिर्फ इतना इंक्रीज हुआ कब, जब इतना ज्यादा करंट इंक्रीज हुआ है तब। ठीक है, मतलब क्या जो लिनियर इंक्रीज नहीं है, क्या है लिनियर इंक्रीज नहीं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या दिस इज ये 5F प्लस व्हाट 5A इस डायरेक्शन का ये निकाल है। और जब आप उसको वीकनिंग की बात करोगे तो वीकनिंग कहाँ पे होने वाला है, वीकनिंग तो बिलो सैचुरेशन होने वाला है, तो वीकनिंग में 5F माइनस व्हाट 5A इस टाइप का फ्लक्स आने वाला होगा। तो वीकनिंग इफेक्ट में क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाएगा और जो आपके पास जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होगा उसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा, लेकिन जो ऐड हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है किसके कंपैरिजन में, मेन फील्ड के जो डिक्रीज हो रहा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि डिक्रीज तो डायरेक्टली लिनियरली हो रहा है। तो ये सब बातें अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी और मैंने आपको कंक्लूजन भी बताया कि जब आप उसको लोडेड कंडीशन पर डील करोगे तब उसमें क्या चेंजेस आने वाले, जब आप उसको नॉन अनलोडेड कंडीशन पर डिस्कस करोगे तो उसमें क्या चेंजेस आने वाले, GNA क्या होता है, MNA क्या होता है, QXS क्या होता है, DXS क्या होता है, उसके बाद GNA कब शिफ्ट करता है, कब शिफ्ट नहीं करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कब आता है, डीमैग्नेटाइजिंग कब आता है, मैग्नेटाइजिंग कब आता है, उसके बाद अपने डिस्कस किया कि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट क्या होता है, वीकनिंग इफेक्ट क्या होता है, लीडिंग पॉलिटिप क्या होता है, ट्रेलिंग पॉलिटिप क्या होता है, जनरेटर के केस में क्या होता है, मोटर के केस में क्या होता है, उसका डायरेक्शन कैसे कंसिडर करना होता है, मोटर के केस के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, जनरेटर के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, ये सब बातें अपन इसके पहले के लेक्चर में बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में अपन ये डिस्कस करेंगे कि जो मेन पॉइंट मैं वहां पे उसको बोला था कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड या आई कैन से व्हाट आर्मेचर करंट, बिकॉज आर्मेचर करंट से आपके पास आर्मेचर फील्ड आने वाली, आर्मेचर फील्ड से आपके पास आर्मेचर MMF आने वाला है, तो सेम केस इन केस ऑफ फील्ड भी होने वाला है। फील्ड क्या होगा, फील्ड करंट से आपके पास क्या आएगा, फील्ड फ्लक्स आएगा, फील्ड फ्लक्स से क्या आएगा आपके पास फील्ड MMF आएगा। तो फील्ड MMF और आर्मेचर MMF इन दोनों का जो मतलब आर्मेचर MMF का जो इफेक्ट होगा फील्ड MMF पर और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट MMF आएगा, रिजल्टेंट फील्ड आएगी उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था व्हाट द मेन इफेक्ट इज व्हाट टू रिड्यूस द मेन मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट टू रिड्यूस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड टू डिस्टॉर्ट द वेवफॉर्म ऑफ व्हाट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये दो मेन उसके कारण है कि जिनकी वजह से अपन को सब पढ़ना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई। अब अपन हेडिंग डालेगा नेक्स्ट कि एक्सक्यूज मी रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन वेवफॉर्म्स, मतलब उसके वेवफॉर्म किस स्टेप से आने वाले उसके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस दैट हाउ एक्जैक्टली द वेवफॉर्म्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ आर दे गोइंग टू बी डिफर फ्रॉम इच अदर, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो देखिए भाई अब अपन बात करते हैं उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी होगी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस स्टेप से होगा। मैंने पहले ही उसको ड्रॉ करके दिखाया लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, मैं सब कुछ एक एक चीज़ का मतलब आपको समझाऊंगा, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपके पास ये जो रोटर होता है और ये जो पोल्स होते हैं इन दोनों के बीच में आर्मेचर है। ठीक है, और ये आपके पास ऐसे पोल्स हैं। ठीक है, इस टाइप से मैं समझा रहा हूँ, बस आपको अच्छे डायग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से तो ये रहेगा आपके पास, ये पोल्स रहेंगे और ये रहेगा आपके पास वही पोल्स, ये रहेगा नॉर्थ पोल, ये रहेगा साउथ पोल। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा आपके पास आर्मेचर कंडक्टर, यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास आर्मेचर कंडक्टर रहेंगे। ठीक है, तो ये आप एक कंडक्टर, ये कंडक्टर उसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इस टाइप से रहेगा। अगर क्रॉस 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 है तो ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस टाइप से
बस मैंने किया क्या पता है क्या, मैंने बस इतना किया कि जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है इनको बस मैंने क्या कर दिया, या अभी सर्कुलर इसमें आपको नजर आ रहा होगा ठीक है, मैंने बस उसको ओपन करके क्या ना एक ऐसा प्लेन कंडक्टर की तरह, मतलब एक ऐसे बस इनफाइनाइट शीट, मतलब एक फाइनाइट शीट होती है कंडक्टर की, उसकी तरह मैंने उसको क्या करके दिखाया, बस यहाँ पर मैंने क्या किया उसको उस तरीके से ओपन करके दे दिया और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या बस ये जो नॉर्थ पोल है पहले मैं नॉर्थ पोल को लिखा, उसके बाद साउथ पोल लिखा है, दिस इज नथिंग बट वॉट, इस टाइप से मैंने उसको लिखा है ठीक है, इस टाइप से मैंने क्या किया उसको लिखा है ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थ पोल, फिर नॉर्थ पोल के बाद देख सकते हो कि आप अगर सपोज ये आपके पास इस टाइप से अगर सपोज डी एक्सिस है, क्या है डी एक्सिस है, तो ये बन जाएगी आपके पास क्या, दिस विल बी क्यू एक्सिस, ये क्या बनेगा क्यू एक्सिस, सो डी एक्सिस दिस इज ऑल्सो क्यू एक्सिस, डी एक्सिस क्यू एक्सिस एंड दिस इज वॉट, दिस इज अ डी एक्सिस। उसका मतलब क्या आपके पास अल्टरनेट डी एंड क्यू एक्सिस आ रहा है यहाँ पे, क्या रहे अल्टरनेट डी एंड क्यू एक्सिस आ रहे हैं। तो सपोज अगर मैंने बोला कि अगर सपोज मेरे पास नॉर्थ पोल है ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साउथ पोल, साउथ पोल जो आएगा यहाँ पे आएगा ठीक है, ये आएगा आपके पास साउथ पोल, इस टाइप से आ रहा है साउथ पोल ठीक है। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास साउथ पोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा साउथ पोल बन जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, इसके नीचे आर्मेचर, मतलब इन दोनों के बीच में आर्मेचर है ठीक है, तो आर्मेचर को मैं क्या करूँगा बस इसको, मतलब ये जो ब्रशेस है ब्रशेस में क्या करूँगा उसको ओपन करके दे दूँगा, क्या करूँगा बस ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ कंडक्टर आने वाले होंगे ठीक है, ओपन करने के बाद क्या होगा यहाँ पे कुछ कंडक्टर आने वाले होंगे, तो आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से आएगा ठीक है, ये इस टाइप से आ रहा है ठीक है, ये इस टाइप से आ रहा है, बात समझ में आएगी ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास कुछ कंडक्टर, एक दो तीन चार पाँच, अगर मैं यहाँ पे पाँच कंडक्टर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे भी पाँच कंडक्टर आएंगे ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर और यहाँ पे एक कंडक्टर, सिमिलरली यहाँ पे कंडक्टर दे देते, यहाँ पे कंडक्टर दे देते ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी इन दोनों के बीच में एन पोल के जो है, जो एन पोल है नॉर्थ पोल है उसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी डी एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्यू एक्सिस, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट डी एक्सिस, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी क्यू एक्सिस, ये क्या बनेगा आपके पास क्यू एक्सिस बनने वाली है ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा आपके पास दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी क्यू एक्सिस, ये क्या बनेगा आपके पास क्यू एक्सिस बनने वाली है ठीक है, इस टाइप से। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो यहाँ पे जो आपके पास जो पोल्स है पोल्स के करस्पॉन्डिंग अपन को क्या करना है, पहले फील्ड फील्ड एमएमएफ जो हो गया या जो फील्ड वेव होने वाले आपके पास मेन फील्ड जो होने वाले उसका क्या करना है, फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है, किसका फ्लक्स डेंसिटी का। जब अपन इस टाइप के जो पोल्स होते हैं, इन टाइप्स इस टाइप के जो पोल्स होते हैं उनके लिए जब अपन उसको ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका एयर गैप है कैसे सेम है एयर गैप है, तो उसकी वजह से एयर गैप अगर सेम है और बाकी सब चीज़ें, मतलब एयर गैप सेम है, लेंथ ऑफ एयर गैप, मतलब वही लेंथ ऑफ एयर गैप सेम है, रिलक्टेंस जो ऑफर होगा उसको सेम रिलक्टेंस ऑफर होगा, तो इस अगर उसको सेम रिलक्टेंस ऑफर हो रहा होगा तो इस एरिया में जो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी का जो वेवफॉर्म आएगा वो कैसा जगह कांस्टेंट आएगा। लेकिन जैसे भी अपन उसके एरिया के, मतलब जो पोल टिप से उसके बाहर अगर अपन जाना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे क्या होगा, लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ जाएगी, तो रिलक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे और इससे भी दूर जाओगे, तो ये जो एरिया होगा, इतना एरिया और इतना एरिया, उन दोनों के बीच में अगर देखे थे तो फ्लक्स डेंसिटी कैसा होगा, कम होते जाएगा ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी कैसा हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो अगर आप उसको देखो तो देखिए इस टाइप से आने वाला है, कैसा होगा, इस टाइप से आने वाला होगा, देख सकते हो कि आप ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ तक क्या होगा, नॉर्थ पोल को अंदर में जब आएगा तो पॉजिटिव होता है, साउथ पोल के अंदर में जब आता है तो निगेटिव होता है ठीक है, इस टाइप से सिमिलरली से आएगा साउथ पोल की इसमें जब आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, जैसे भी इस पोल के नीचे आ रहा है तो इस पोल के नीचे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो देखिए कॉन्स्टेंट इस टाइप से आ जाएगा, और जैसे भी आप इसको आगे चले जाओ क्यू एक्सिस तक आने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, क्यू एक्सिस तक आने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ठीक है, बन जाएगा इस तरीके से, ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ठीक है, ये बन जाएगा इस टाइप से, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म, ये क्या आपके पास फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म है, ये कौन सी एक्सिस है, क्यू एक्सिस है, क्यू एक्सिस पे मुझे एक बात बोलूं, जब आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों के बीच में जो क्यू एक्सिस है वहां पे कौन सी एक्सिस आती है, एम एन ए आती है, जी एन ए आती है, एम एन ए आती है, जी एन ए आती है, भाई कौन सा एक्सिस आती है, जी एन एक्सिस आती है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट जी एन ए एक्सिस, मतलब क्या यहाँ पे जो एक्सेस आ रही है कहाँ पे, जी एन एक्सेस आ रही है, जी एन एक्सेस कैसे है, जीरो पे आ रही है ठीक है। अब एट नो लोड पे तो जी एन और एम एन ए दोनों कैसे आ रही थी, मतलब दोनों सेम ही जगह पे आने वाली थी ठीक है, कहाँ पे आने वाली थी, दोनों सेम ही जगह पे आने वाली थी, नो लोड पे तो मतलब क्या एम एन ए आता ही नहीं है, सॉरी एम एन ए आपके पास जो आर्मेचर फील्ड होती है उसका तो कुछ सवाल ही नहीं आता नो लोड पे, तो जी एन ए एम एन ए दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं एट नो लोड पे, बात समझ में आ गई। अब मैं ड्रॉ करूंगा आर्मेचर फील्ड के लिए, क्या ड्रॉ करूंगा आर्मेचर फील्ड के लिए, सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, आर्मेचर फील्ड नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं क्या ड्रॉ करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा आर्मेचर एम एम एफ ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा आर्मेचर एम एम एफ, आप देख सकते हो कि ये आर्मेचर एम एम एफ ट्रायंगुलर शेप में मैंने उसको दिखाया होगा, लेकिन ट्रायंगुलर शेप में क्यों आया, ऐसे क्यों आया, देखिए सिंपल बात है, मैं उसको समझा देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, आप यही पे मैं उसको समझाता हूँ क्योंकि ऊपर वाले पार्ट की तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे रब कर देता हूँ और यही पे समझाता हूँ किस टाइप से आने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो एक पोल आएगा, क्या आएगा, पोल आएगा सपोज, ठीक है, ये जो पोल है आपके पास इस टाइप से, इस पोल के नीचे जो कंडक्टर्स है, इस पोल के नीचे जो कंडक्टर्स है, सपोज अगर मैं इनको सभी को क्रॉस 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 बोल दिया, तो देखिए क्रॉस की वजह से जो आपके पास, क्रॉस मतलब क्या, करंट एंटर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी आपके पास, सर्कुलर नेचर की आएगी, कैसे आ जाएगी, सर्कुलर नेचर की। अगर आप उसको ड्रॉ करो तो देखिए इस टाइप से उसके सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले, इस टाइप से बनने वाले हैं, तो सर्कुलर बनने वाले। बात समझ में आ जाएगी, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, जो डाउनवर्ड आएगी मैं उसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जो अपवर्ड जाएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं उसको, नेगेटिव बोलने वाला। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सपोज अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं उसकी बात करूँ, तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है अपन को, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू वॉट आई इक्वल्स टू व्हाट आई इनक्लोज, या करंट है। ठीक है, इस टाइप से होता है। अब सपोज अगर मैं एन टर्न्स का कंडक्टर अगर कंसिडर करूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अपन को वैसे पता भी है कि एच इज इक्वल्स टू व्हाट, एच इज इक्वल्स टू एन आई मल्टीप्लाई बाय व्हाट एल। ठीक है, अगर मैं सपोज अगर इसको बात करूँ एच मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ए स्मॉल लेंथ डी एल के लिए होता है, किसके लिए, स्मॉल लेंथ डी एल के लिए। ठीक है, अगर सपोज मैं उसको एक पूरी 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 लेंथ के लिए अगर मैं उसको फाइंड करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास एन टाइम्स ऑफ आई, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एम एम एफ। ये क्या आपके पास एम एम एफ होता है, क्या होता है आपके पास एम एम एफ होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दो दो जगह पे आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, अगर जैसे भी आप उसके आगे ऐसे चला जाओगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या आने वाला है, एयर गैप आने वाला है, और यहाँ पे भी क्या आने वाला है, एयर गैप आने वाला है। अगर दो एयर गैप उसको फेस करना पड़ता है, इसका मतलब क्या, दो एयर गैप अगर उसको फेस करने, तो जो लेंथ ऑफ एल हो जाएगा आपके पास, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। जब मैं उसकी पूरी वैल्यू पता करूंगा तो एच मल्टीप्लाई बाय डी एल का इंटीग्रेशन, मतलब डिपेंड करेगा डी एल का इंटीग्रेशन क्या आने वाला होगा। ठीक है, तो एल जो आएगा यहाँ से इतना पता चल रहा है कि दिस इज गोइंग टू व्हाट, ट्वाइस जी हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ एयर गैप, मैं उसको जी बोल रहा हूँ, एल जी को मैं बोल रहा हूँ जी। ठीक है, और ये दो टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो एयर गैप अगर दो जगह पे आ रहा है तो जी का वैल्यू बन जाएगा टू जी, तो ये बन जाएगा आपके पास एच मल्टीप्लाई बाय एल या एच मल्टीप्लाई बाय जी, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं, एम एम एफ डिवाइडेड बाय टू, इस स्टेप से आने वाला है। क्या आने वाला है, टू टाइप एम एम एफ डिवाइडेड बाय टू, इस स्टेप से आने वाला है। ठीक है, अब इसमें सवाल ये होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कैसे आती है, आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है, उसका जो मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब का डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी उसको मैं क्या करूंगा, नेगेटिव दिखाऊंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव दिखाऊंगा। ठीक है, और ये क्या आपके पास, दिस इज, उसको और भी अलग अलग तरीके बताने के, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आओगा, अगर नहीं समझ में तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। मैंने क्या कंसिडर किया, एक छोटा सा कोई भी एक पोल कंसिडर कर लो, उस पोल के अंडर में मैंने, उसके नीचे मैंने क्या किया, कंडक्टर प्लेस किए। ठीक है, और मतलब कंडक्टर प्लेस पोल के नीचे नहीं किया, एक्चुअली उन दोनों के बीच में होते हैं, मतलब दो पोल के बीच में कंडक्टर होते हैं। आप देख सकते हो कि आर्मेचर मैंने क्या, दो पोल के बीच में आर्मेचर को मैंने प्लेस किया, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों मतलब एक एक पोल के नीचे कंडक्टर, सारे आर्मेचर कंडक्टर। मैंने किसी भी एक, सपोज अगर मैं इसको नॉर्थ पोल कंसिडर कर लूँ, क्या कंसिडर कर लूँ, सपोज अगर मैं उसको नॉर्थ पोल कंसिडर कर लूँ, ठीक है, उसको अगर मैं नॉर्थ पोल कंसिडर कर लूँ, और मुझे देखना किसके वजह से, मुझे इन कंडक्टर की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, इसके मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, करंट क्या करें, एंटर करें, तो मतलब क्रॉस है, तो क्रॉस में अगर करंट एंटर करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी। बस समझ में आ गई। और मैंने बोला आपको कि जब आप मतलब करंट इनक्लोज इनक्लोज अगर आपको पता करने, एक कंडक्टर की वजह से इतनी आती थी, इसमें तो बहुत सारे कंडक्टर प्लेस होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि एच डॉट डी एल अगर मुझे उसको टोटल एम एम एफ पता करना होगा, तो एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको टोटल एम एम एफ पता कर सकता हूँ। ठीक है, टोटल एम एम एफ कैसे पता करोगे, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू व्हाट आई इनक्लोज, या तुम बोलोगे टोटल एम एम एफ के बराबर होगा, एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे किसके बराबर होगा, टोटल एम एम एफ के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। और मैंने बोला कि जो एल होगा, एल क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ डी एल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है, तो मतलब क्या, दो टाइम्स ऑफ टू एल जी बोल दो, या तो टू ट्वाइस ऑफ एल बोल दो, कोई भी बोल सकते हो, तो डेट विल बिकम व्हाट, डेट विल बिकम एम एम एफ अपॉन टू, क्या बनने वाला, एम एम एफ अपॉन टू। बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है ना कि जो उसका, और अपन को ये भी पता है, क्या पता है कि जब भी आपके पास डायरेक्ट एक्सेस के पॉइंट पे जब आप उसका मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले हो, तो डायरेक्ट एक्सेस पे कैसे आती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस पे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और क्वाड्रेचर एक्सेस पे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देख सकते हो आप क्या क्या, क्वाड्रेचर एक्सेस पे उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे अगर आप उसको देखो डायरेक्ट एक्सेस पे, तो जो आर्मेचर फील्ड होगी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, जीरो होगी डायरेक्ट एक्सेस पे, डायरेक्ट एक्सेस पे कैसे होगी, जीरो होगी। अगर सपोज डायरेक्ट एक्सिस पे जीरो है, ठीक है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा मैं उसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा उसको मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर नेगेटिव बोल रहा हूँ तो ये देखिए क्वाड्रेचर एक्सिस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है उसकी, और डायरेक्ट एक्सिस पे कैसे होगी, जीरो, उसके बाद ये यहाँ पे इस टाइप से चला जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसके लिए बात करूँगा तो इसका डायरेक्ट एक्सिस पे क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, और क्वाड्रेचर एक्सिस पे क्या बन जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी। इस टाइप से क्या आ रही है, उसके मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उस टाइप से क्या कर रही है, उसके मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, आई थिंक मैंने गलत कर दिया, कुछ और ही जगह पे लिखा गया एक्चुअली, तो ये इस टाइप से आएगा। ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सिस तक जाएगा, फिर ये इस टाइप से जाएगा।
सो आप देख सकते हो कि दिस इज वॉट दिस इज आर्मेचर एम एम एफ, दिस इज वॉट दिस इज आर्मेचर एम एम एफ, तो मैं इसको एम ए के नाम से बोल रहा हूँ। दिस इज वॉट दिस इज फील्ड डेंसिटी, या कह सकते हो आप क्या मेन फील्ड फ्लक्स, क्या होगा मेन फील्ड फ्लक्स, बी एम एस को बोल रहा हूँ, मतलब क्या मेन फील्ड फ्लक्स, एक्चुअल मेन फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, मेन फ्लक्स डेंसिटी आप तुम उसको बोल सकते हो, या फील्ड या फील्ड की वजह से आने वाले फ्लक्स डेंसिटी तुम उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा भाई, जब भी मैं उसके बात करूंगा किसके, जब मैं मेरे पास एम एम एफ का वेव है और दूसरा क्या फ्लक्स डेंसिटी का वेव है, दोनों को ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है, और दोनों को अगर ऐड नहीं करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लक्स डेंसिटी ऑप्टेन करनी पड़ेगी आर्मेचर की एम एम एफ वेव से। अब वहाँ से अगर सपोज मुझे उसका फ्लक्स डेंसिटी ऑप्टेन करना है तो कैसे करेंगे अपन को, देखिए फ्लक्स और एम एम एफ इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है, कैसे रिलेशन है आपके पास, देखिए फ्लक्स का तो रिलेशन होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट एम एम एफ अपॉन व्हाट रिलक्टेंस, क्या होता है एम एम एफ अपॉन व्हाट रिलक्टेंस होता है। ठीक है, अब आपके पास एम एम एफ का वेव पता है, ठीक है, अगर आपको रिलक्टेंस पता करना है तो रिलक्टेंस कैसे पता करोगे, रिलक्टेंस पता करने के लिए देखिए मुझे एक बात बोलेगा, सिंपल बात बोलेगा, यहाँ पे जो रीजन आएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी आएगी आपके पास, अगर उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो एयर गैप नजर आने वाला है, एयर गैप कैसा होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे एयर गैप थोड़ा कम होगा, आप देख सकते हो इसमें आर्मेचर की इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे एयर गैप कैसा होगा, कम होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में देख सकते हो एयर गैप कम है, मतलब सेम एयर गैप अगर मैं मान के चलूँ तो इन दोनों के बीच में कैसा सेम एयर गैप नजर आने वाला, आपको लगेगा शायद मैंने जो निकाला मैं तो अभी हैंड ड्रिवन डायग्राम निकाला ना, तो बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में सेम एयर गैप होता है एक्चुअली देखा जाए तो, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है पोल टिप तक, मतलब एक पोल टिप से दूसरे पोल टिप तक एयर गैप सेम होता है, इसका भी एक पोल टिप से लेकर दूसरे पोल टिप तक एयर गैप कैसा होता है सेम होता है, लेकिन जैसे भी आप इस पोल टिप से इस ब्रश तक जाओगे और इस पोल टिप से इस ब्रश तक, इस पोल टिप से इस ब्रश तक, तो उनके बीच में क्या होता है एयर गैप बढ़ते चला जाता है, एयर गैप क्या होगा बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बोलेगा आर्मेचर की जो एमएमएफ है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय मतलब मोर एयर गैप, तो वहां तक आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख सकते हो कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कौन से बीच में, कौन सा जो एरिया के जहां पे बहुत ज्यादा है रिलक्टेंस, इस एरिया में बहुत ज्यादा है, इस एरिया में रिलक्टेंस ज्यादा है, इस एरिया में रिलक्टेंस ज्यादा है, तो यहां पे जो आपके पास एमएमएफ की वेव है उसमें से क्या हो जाएगा कम हो जाएगी वैल्यू, वहां से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, बात समझ में आ रही है, वो अगर कम हो जाएगी बाकी सारी जगह पे कम हो जाएगी, क्योंकि एमएमएफ का जो एक्चुअल वेवफॉर्म है वो कभी आपके पास फ्लक्स का वेवफॉर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं एमएमएफ को डिवाइड करूंगा रिलक्टेंस से तो भाई ऑब्वियसली डिवाइड करने के बाद वो तो नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन वन ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर ग्रेटर देन वन होगा तो मतलब उसका जो एक्चुअल वैल्यू उससे क्या हो जाएगी कम हो जाने वाली है, उसका जो एक्चुअल वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। उसमें एक बात हमें यह भी पता चले, क्या पता चले कि जहां पे एयर गैप ज्यादा है वहां पे उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा थोड़ा ज्यादा ही कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर गैप ज्यादा है, वहां पे क्या होगा एयर गैप ज्यादा, अगर एयर गैप ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पे जो रिलक्टेंस फील होगा आपके पास एमएमएफ की वेव को वो क्या होगा ज्यादा होगा। तो आपको एक बात पता चलेगी कि भाई इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एयर गैप कैसा ज्यादा है, तो उसके एयर गैप ज्यादा होने की वजह से रिलक्टेंस ज्यादा होगा, रिलक्टेंस ज्यादा होने से जैसे जो एमएमएफ का जो वेवफॉर्म होगा फ्लक्स के वेवफॉर्म आने के लिए क्या हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा, फ्लक्स के वेवफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर फ्लक्स की वेवफॉर्म के लिए अगर कम हो जाएगा और ये फ्लक्स आ जाएगा यहाँ से जो जो भी कुछ आएगा वो फ्लक्स आ जाएगा, उसको अगर मैं ए से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू व्हाट आर्मेचर फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू व्हाट आर्मेचर फील्ड, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि देखिए भाई जो आर्मेचर की यहाँ से जो मैं आर्मेचर की फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉ करूंगा ये एमएमएफ है, इसको जब मैं रिलक्टेंस से डिवाइड कर दूंगा और डिवाइड करने के बाद जब मैं उसको एरिया से डिवाइड करूंगा तो मुझे फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी, तो ये ऐसा मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तो इन दोनों के बीच में मुझे पता है कि मतलब जो पोल का जो एरिया है, मतलब कि एक पोल टिप से दूसरे पोल टिप जो एरिया है कैसा है, मतलब उसका एरिया भी और उसका एयर गैप भी कैसा है सेम है, एयर गैप सेम है, एयर गैप सेम हो तो रिलक्टेंस कैसा होगा सेम फील होगा, रिलक्टेंस अगर सेम फील होगा तो हर एक जगह पे उसका जो लाइन आएगा कैसा आ जाएगा लीनियर लाइन की तरह आ जाएगा। ठीक है, लीनियर लाइन की तरह आ जाएगा, इसका मतलब क्या एमएमएफ की वेव को क्या करेगा फॉलो करेगा, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो एमएमएफ की वेव आ रही है कैसे आ रही है, इस टाइप से आ रही है भाई, मैं इसको थोड़ा दूसरा पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास एमएमएफ की वेव इस टाइप से आ रही, उसके बाद और फिर से आपके पास एक्चुअली यहाँ तक ही आएगा, ये जो वेव मैंने ड्रॉ की है आपके पास एक्चुअली एमएमएफ की, एमएमएफ की वेव में भी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एमएमएफ की वेव इस टाइप से होनी चाहिए थी, मतलब इस टाइप से होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से होनी चाहिए थी। अब मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसके लिए भी, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब फ्लक्स के लिए, फ्लक्स से मैं डायरेक्ट फ्लक्स डेंसिटी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, एरिया को मैं पता है आपको कि एरिया क्या है, एरिया को भी मैंने कंसिडर कर लिया, ऐसे कंसिडर कर सकते, तो आपको पता है कि एरिया कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे रिलेक्टेंस कम होगा यहाँ पे एरिया कम होगा, जहाँ पे रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे भी एरिया क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो जहाँ पे ज़्यादा होगा तो उसका जो फ्लक्स का फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म स्टेप्स आने वाला है। ठीक है, ये आएगा इस टाइप से, बात समझ में आ रही है, ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसा होने वाला था, इसके लिए मैंने उसको ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, इस टाइप से आएगा,
अब आप यहाँ पे एक्चुअली इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में एयर गैप ज़्यादा है, ठीक है। फिर बाद में ये कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई जहाँ पे एयर गैप ज़्यादा होगा तो एयर गैप की वजह से क्या हो जाएगा, हाँ, एयर गैप की वजह से उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा बहुत ही कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, जो कम हुआ है इसको मैंने क्या है, देखिए इस टाइप से दिखाया है, और इस सैडल शेप नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है, सैडल शेप नज़र आ रहा है। सैडल मतलब क्यों? क्योंकि घोड़े पे बैठने की जो सीट होती है उसका जैसा शेप होता है ना, वैसा ही शेप इसका होता है, ऐसा इस टाइप से होता है उसका शेप, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से उसका शेप होने वाला होता है। बात समझ में आके? अब इसमें देखिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है ना इसका वेव आ गया है, मतलब ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी का वेव फॉर्म है, और एक इसका वेव फॉर्म है। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर फील्ड, मतलब आर्मेचर की फ्लक्स डेंसिटी, और मुझे मेन फील्ड या मेन फ्लक्स डेंसिटी और आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी, दोनों फ्लक्स डेंसिटी मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो दोनों को ऐड करने की वजह से मेरे पास जो फ्लक्स डेंसिटी आएगी, डैट विल व्हाट, डैट विल बी द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, और मुझे रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म देखना है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब आप आर्मेचर के करंट को जब कंसिडर करोगे तो उस टाइम पर जो आपके पास मेन डिस्टॉर्शन आएगा, डैट विल बी ड्यू इन केस ऑफ व्हाट, डैट विल बी इन केस ऑफ द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म। अब देखना रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म किस तरीके से डिस्टॉर्ड होने वाले। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसका और इसका, इन दोनों का मतलब ये रेड वाला और ये क्या है आपके पास ग्रीन वाला, इन दोनों के बीच में मुझे सोचना है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला क्या कुछ काम नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ, उसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इन दोनों को ड्रॉ करने में थोड़ा परेशानी ना हो गई अपन को, ठीक है। इस टाइप से अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड करूंगा। अब सपोज कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए किस टाइप से मैं इनको ऐड करूंगा। अब आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी की जरूरत होगी। अब आप मुझे खुद बोलेगा ये देखिए कैसे, ये पॉजिटिव पे और एक आप है निगेटिव पे, तो मतलब क्या, जीरो और जीरो भी एक्चुअली जीरो माइनस समथिंग, जीरो प्लस निगेटिव माइनस, जीरो प्लस वॉट निगेटिव सपोज दो है तो क्या बन जाएगा, ये जीरो प्लस माइनस टू है ऐसे एक्चुअली, तो जिससे बिकम माइनस टू, मतलब क्या माइनस ही आ जाएगा, एक निगेटिव वैल्यू और जीरो तो क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि इसका वैल्यू आएगा यहाँ से, इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, और उसका जो शेप है वही शेप आएगा उसका, उसका जो शेप है उसका, उसका शेप कैसे आ जाएगा, वही आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस टाइप से आएगा, मतलब क्या यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऐसा आएगा। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा आ रहा है निगेटिव के कंपैरिजन में। तो अगर दोनों को अगर मैं देखूँ तो देखिए मेरे पास इस टाइप का वेवफॉर्म आएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसा आ रहा है ना एक्चुअली ये इसी टाइप का आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है, समझ सकते हो, बिल्कुल बहुत आसान है, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है। उसके बाद अगर मैं और थोड़ा अगर देखूँ तो देखिए ये और जब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लीनियरली इंक्रीज नजर का जाएगा, इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको और इसको अगर जोड़ दूँ तो देखिए जोड़ने के बाद एक थोड़ा घट रहा है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तभी फिर भी यहाँ पे उसका कुछ वैल्यू होने वाला होगा, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, अगर ये जीरो हो जाएगा प्लस प्लस और जीरो समथिंग इज वॉट प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू और बढ़ जाएगी, दोनों की वैल्यू और बढ़ने की वजह से देखिए ये इस टाइप से आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, घटते जाएगा और घटते जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा पहले तो नहीं हो जाएगा लेकिन थोड़ा बाद में ऐसा आ जाएगा, फिर ये आगे, मतलब जैसा दोनों को बस ऐड करते जाना है, जैसे इसमें आया सेम क्या कर जाएगा, उसके अपोजिट में क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये जो होगा ना, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट नजर आएगा। अपन को पता है कि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट कहाँ पे नजर आने वाली थी, ठीक है, जनरेटर के केस में तो ट्रेलिंग पोल पे ही क्या आने वाला था, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट नजर आने वाला, तो ट्रेनिंग ये क्या होगा, दिस विल बी ट्रेलिंग पोल टिप, दिस विल बी लीडिंग पोल टिप, क्योंकि मैं जब उसका डायरेक्शन अगर कंसिडर कर लिया इस डायरेक्शन में, तो ये जो होगा साउथ का जो होगा आपके पास, सिंपल इधर इधर समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यहाँ से देखिएगा, दिस विल बी लीडिंग पोल टिप, दिस विल बी अ ट्रेलिंग पोल टिप, दिस इज लीडिंग और ट्रेलिंग, मैंने बोला था ट्रेलिंग पे क्या होने वाला था जनरेटर के केस में, ट्रेलिंग के केस में क्या होता है, ट्रेलिंग के केस में स्ट्रेंथनिंग होती है, आप देख सकते हो कि ट्रेलिंग के केस में स्ट्रेंथनिंग होती है, ट्रेलिंग के केस में स्ट्रेंथनिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मोटर के केस में, मोटर के केस में जो लीडिंग होगा, लीडिंग के केस में क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग होने वाले, ठीक है, इस टाइप से है। अब इसमें एक और बात अगर मैं बताऊँ तो देखिए इसमें एक और बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखना है कि बस दोनों को ऐड करना है और कुछ भी नहीं इसमें, तो ठीक है। तो इसमें मैंने बस बोला क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्स्टेंट फ्लक्स है, और यहाँ पे क्या एक रैम सिग्नल, अपन सिग्नल सिस्टम में पड़े होते हैं, एक कॉन्स्टेंट सिग्नल और एक रैम सिग्नल को जब आप पढ़ते हो तो दोनों को जब ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट जो शेप होगा किसकी वजह से होगा, डैट विल बी ड्यू टू वॉट, रैम सिग्नल की वजह से होगा। और ये जो होगा आपके पास स्टेप टाइप सिग्नल क्या कर देगा, उसका बस एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, और वहाँ से क्या करेगा, रैम का जो वेवफॉर्म का जो नेचर होगा उसको क्या कर लेगा, उसी वेवफॉर्म का जो नेचर होगा, मतलब ट्रैंगुलर वाला जो होगा उसको क्या करेगा, उसको आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। बस इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने देखा कि भाई किस स्टेप से आने वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को मैंने किस स्टेप से ऐड किया, ठीक है।
इस टाइप से आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए मैंने इसको ये कर दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा हॉचपॉच टाइप नजर आ जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने एक बात लिखी कि यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है ना कि आपके पास जो ट्रेलिंग पॉलिटिक होती है, यहाँ पे क्या होती है ना, जब दोनों फ्लक्स डेंसिटी ऐड हो जाती है, मतलब क्या दोनों फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या, आर्मेचर का फील्ड और मेन फील्ड, मतलब दोनों की फ्लक्स डेंसिटी जब ऐड हो जाएगी तो वहाँ पे सैचुरेशन वाला इफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू व्हाट मेन फील्ड एंड दिस इज व्हाट दिस इज ड्यू टू द आर्मेचर फील्ड। जब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं इस पॉइंट पे, मतलब सॉरी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि ये दोनों कैसा मैक्सिमम है, दोनों कैसा मैक्सिमम, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो कैसे हो जाएगी आपके पास, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट क्या जाएगी। लेकिन स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट जो होगा, अगर वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग अगर दोनों सेम हो गए तो उसमें ज्यादा कुछ देखने के, मतलब बहुत ज्यादा कुछ उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन स्ट्रेंथनिंग ज्यादा होगी वीकनिंग से तो उस केस में थोड़ा क्या होगा, सैचुरेशन वाले पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैंने उस टाइम आपको बताया था कि वीकनिंग इफेक्ट जो होता है दैट इज डोमिनेटिंग वन ओवर द व्हाट स्ट्रेंथनिंग वन, इसके लिए क्योंकि स्ट्रेंथनिंग के केस में अपन सैचुरेशन के केस में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेंथनिंग तक अगर पहुंच के तो उसका जो वेवफॉर्म का नेचर आएगा वो इस टाइप से आने वाला होगा। मतलब क्या एक्चुअली देखा जाए तो मतलब क्या ना, ये वन और टू इन दोनों के बीच में जो इफेक्ट आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग की वजह से आ रहा है। सपोज अगर स्ट्रेंथनिंग इतना डोमिनेटिंग नहीं रहेगा तो जो टू से टू मतलब ये ब्लैक वाली जो लाइन नजर आ रही है यहां से होते हुए जब ये नीचे चला जाएगा तो दैट विल बी द केस इन विच स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट एंड वीकनिंग इफेक्ट जब दोनों सेम हो जाएगा तो दो नंबर का जो कर्व होगा उसको फॉलो करेगा। अगर स्ट्रेंथनिंग ज्यादा होगी वीकनिंग से तो उस टाइम पे वन नंबर का कर्व फॉलो करेगा। वन नंबर मतलब ऊपर वाला और टू नंबर मतलब क्या नीचे वाला, और दोनों मतलब जैसा पॉजिटिव में है वैसे ही वैसा क्या होने वाला, निगेटिव में फॉलो करने वाला, बाकी कुछ भी इतना आसान है। और इस जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी जो वेवफॉर्म है आपके पास, इसको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेव क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेव। बात समझ में आ गई? इस टाइप से अपन को ये पढ़ना होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो मेन मोटिव होता है बस वही, मतलब एक्चुअली वो तो प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन डेंजर ही होता है एक्चुअली, कभी उसका फायदा ही कुछ नहीं। लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास जो मेन जो देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे जो फील्ड फ्लक्स डेंसिटी आपके पास मेन रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी जो वो क्या करके शिफ्ट कर गई। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कंक्लूजन लिखी थी, कंक्लूजन के केस में मैंने बोला था कि जब आप नॉर्मल जब पढ़ते हो किसके बारे में, जब एट नोलोड पर जब पढ़ते हो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, तो दोनों कैसे होते, जीएनए और एमएनए कैसे होते, दोनों इन फेज होते, मतलब क्या दोनों कॉन्सर्ट करते एक ही एक्सेस पे आते। लेकिन जब मैं लोडेड कंडीशन के लिए चला जाता हूं तो मैग्नेट जो आपके पास एमएनए होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, इट गेट शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट जीएनए ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस बाय एंगल बीटा। अब आप देखिए तो देखिए उसमें क्या होने वाला है, एट इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो देखिए आपके पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी आपके पास यहाँ पे आ रही है, तो इस रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी को जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या होता है आपके पास, इस पॉइंट पे जो आएगा वो क्या आएगा, एमएनए आएगा। इस पॉइंट पे जो आएगा वो क्या आएगा, एमएनए आएगा। अब आप देख सकते हो कि देखिए एमएनए यहाँ पे भी कैसा था, एमएनए यहाँ पे भी देखिए कि कैसा था, शिफ्ट कर गया था जो क्वाड्रेचर एक्सेस था वहाँ से क्या कर गया था, मतलब क्वाड्रेचर एक्सेस पे आपके पास जीएनए होता है वहाँ से क्या करता, शिफ्ट कर गया था बाय एन एंगल ऑफ बीटा। तो यहाँ पे भी वही नजर आ रहा है आपके पास अगर देखा जाए तो, देखा जाए तो इस पॉइंट पे, क्योंकि देखिए फ्लक्स डेंसिटी जीरो कहाँ पे होती है, क्वाड्रेचर एक्सेस पे, जो फील्ड फ्लक्स होता है वो जीरो कहाँ पे होता है, क्वाड्रेचर एक्सेस पे। ये जो था आपके पास फील्ड फ्लक्स क्वाड्रेचर एक्सेस पे जीरो था, बात समझ में आई। लेकिन रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट तो उससे शिफ्ट हो गया ना भाई बाय एन एंगल बीटा से, तो देखिए रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब कुछ समय के बाद जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे ना अभी मेन फील्ड और रिजल्टेंट फील्ड दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, मतलब कि जहाँ पे आपके मेन फील्ड जीरो है वहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड जीरो नहीं है, वहाँ पे क्या रिजल्टेंट फील्ड जीरो नहीं है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी देखने के लिए मिलेगी, क्या देखिए जब आपके पास जो ब्रशेस होते हैं ना, ब्रशेस के अंडर में जो भी कोई कॉइल आती है उस कॉइल शॉर्ट सर्किट होती है और उसी कॉइल कम्यूटेशन के लिए चले जाती है। जो कॉइल शॉर्ट सर्किट होती है उसमें जो ईएमएफ इंडक्स होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। अगर उसमें ईएमएफ इंडक्स जीरो होता है सक्सेसफुल कम्यूटेशन होगा, उसमें स्पार्किंग वगैरह कुछ नहीं आएगा, रिएक्टेंस रिएक्टेंस वोल्टेज वगैरह ये सब कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप देखना अभी क्या होगा, मैंने बोला था कि जो कॉइल आपके पास ब्रश के अंडर में आएगी उसमें क्या होना चाहिए, ईएमएफ जीरो इंडक्स होना चाहिए जब उसका कम्यूटेशन प्रोसेस चल रहा था। अगर ईएमएफ जीरो नहीं होगा तो उसमें ईएमएफ इंडक्स होगा तो उसकी वजह से रिएक्टेंस वोल्टेज आएगा, स्पार्किंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखना होगा क्या, जो कॉइल आपके पास इसके अक्रॉस मतलब जो आप कॉइल आपके पास अभी कम्यूटेशन के लिए आ रही है उसमें ईएमएफ जीरो नहीं होगा, इसमें ईएमएफ क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अब देखना जीरो क्यों नहीं होगा, जब रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी जहाँ पे जीरो होगी वहाँ पे जो कॉइल आएगी ना उसके उसमें जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ उसमें जीरो होगा, बाकी दूसरी कोई कॉइल नहीं होगी जिसमें ईएमएफ जीरो होगा। अब देखना होगा क्या, आपके पास रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे जीरो है, इस पॉइंट पे आपके पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वो जीरो है, लेकिन आपने जो ब्रश लगाया ब्रश कहाँ पे लगाया, ब्रश तो यहाँ पे लगाया आपने क्वाड्रेचर एक्सिस पे। अगर आपने ब्रश को क्वाड्रेचर एक्सिस पे लगाया तो मतलब क्या जो कंडक्टर यहाँ पे आएगा उसके अक्रॉस में मतलब उसकी करंट अभी जीरो होगी क्या, बिल्कुल नहीं, उस करंट जीरो नहीं,
उसके अंदर की जो ईएमएफ है, ईएमएफ जीरो नहीं होगा उसमें। ईएमएफ जीरो कब होगा? जब वो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी पे आएगा तब उसका ईएमएफ क्या होगा? जीरो होगा। जब रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी पे आएगा तब उसका ईएमएफ क्या होगा? जीरो होगा। अब मुझे एक बात बोलो, जो कंडक्टर अभी ब्रश के अक्रॉस में, मतलब ब्रश के अंडर में आ रहा है कम्यूटेशन के लिए, उसमें अगर ईएमएफ जीरो नहीं है तो उसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज आएगी, स्पार्किंग आएगी, तो वो क्या सक्सेसफुल कम्यूटेशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या? दिस इज द प्रॉब्लमेटिक केस फॉर व्हाट कम्यूटेशन ड्यू टू व्हाट? आर्मेचर रिएक्शन ने क्या किया? जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है उसको क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया भाई। कितने एंगल से? बीटा एंगल से। उसकी वजह से क्या होगा? आपने ब्रशेस को कहां पे रखा था? आपने ब्रशेस को रखा था क्यू एक्सिस पे, लेकिन अब वो कहां पे आ रहा है? एमएनए पे आ रहा है। एमएनए पे आता है ना, क्योंकि देखा जाए तो उसको एमएनए पे आएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट एमएनए, वही पे आता है। अब एमएनए पे वो क्या मिल रहा है आपको? उसमें ईएमएफ जीरो मिलेगा। ईएमएफ क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जहां पे जीरो होगी वहीं पे तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है, जहां पे वहां पे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। और यहीं पे अगर फ्लक्स ही जीरो है तो मैं फ्लक्स डेंसिटी जीरो, मतलब फ्लक्स जीरो एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर फ्लक्स ही जीरो होगा इस इंस्टेंट पे, तो मुझे बात बोली इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। सिंपल बात मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपने ब्रशेस रखे, कहाँ पे? यहाँ पे क्वाड्रेचर एक्सिस पे अपने ब्रशेस रखे, और अपन ऐसा चाहते थे कि जो ब्रशेज के अंडर में जो कंडक्टर आएगा उसके अक्रॉस की ईएमएफ क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ईएमएफ जीरो नहीं होगा इस इंस्टेंट में। रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी देखे ना, कहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी? उसमें तो कुछ तो भाई, उसमें तो मतलब जब ब्रशेज के अंडर में आ रहा है उसमें कुछ तो नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है, उसकी वजह से कुछ आएगा। नेगेटिव फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मतलब देखिए ना कितना प्रॉब्लमेटिक केस हो रहा है। जो कॉइल अब ब्रश के अक्रॉस में या मतलब ब्रश के अंडर में कम्यूटेशन के लिए आ रही है, आइडियली देखा जाए तो उसमें ईएमएफ जीरो होना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी से पता चला कि उसमें ईएमएफ जीरो नहीं है। अगर उसमें ईएमएफ जीरो नहीं है तो उसमें क्या होगा? रिएक्टेंस वोल्टेज वाला प्रॉब्लम आएगा, उसमें अभी स्पार्किंग वाली प्रॉब्लम आएगी। मतलब क्या? ये तो सक्सेसफुल कम्यूटेशन है ही नहीं। अपन चाहते सक्सेसफुल कम्यूटेशन होना चाहिए। कुछ समय के बाद जो कॉइल आती उसमें क्या होता है? ईएमएफ जीरो होने वाला है, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी जीरो होगा। अब आपको जो भी कुछ देखना है सिर्फ और सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग देखना, पूरा का पूरा जो देखना है रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग देखना, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी अपन को पता चलेगा कि वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी ड्यू टू व्हाट? दैट विल बी बोथ द ईएमएफ, एक और दो दोनों को इंक्लूड करके जो आएगा आपके पास उसके बारे में देखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम जो होता है ना आर्मेचर रिएक्शन का, यही प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से ब्रश को भी अभी क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्रश को शिफ्ट इसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने जिस जगह पे ब्रश को रखा था, अपन आइडियली इसके पहले ऐसा सोचते थे कि वहीं पे आपके पास जो कॉइल आती थी उसमें ईएमएफ जीरो होता था, उसमें क्या होता था? ईएमएफ जीरो होता था। अगर वहीं पे ईएमएफ आपके पास जीरो होता था तो इसका मतलब क्या? उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं आता, तो उसमें स्पार्किंग वगैरह कुछ नहीं आती थी। लेकिन जैसे भी आपने उसको मशीन को लोड कर दिया, तो लोड करने की वजह से क्या होगा? रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वो आपकी क्या करके शिफ्ट कर गई, और आपने ब्रशेस को शिफ्ट नहीं किया। ब्रशेस को शिफ्ट नहीं किया तो अब जो ब्रश के अक्रॉस में जो कंडक्टर आ रहे उसमें ईएमएफ जीरो नहीं हो रहा है, जो वो कम्यूटेशन के लिए आ रहा है। अब उसमें ईएमएफ जीरो नहीं हो रहा तो स्पार्किंग क्रिएट कर देगा, मतलब अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन हो रहा है। मतलब क्या ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल है? तो मतलब अच्छा है ही नहीं इस ऑपरेशन को। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर अगर सपोज मैंने अगर ब्रशेस को सपोज इस इंस्टेंट पर रखे होते, क्योंकि इस इंस्टेंट पर अगर मैंने रखे होता मैंने अपने ब्रश को, तो यहाँ पे जो कंडक्टर आता उसमें अगर फ्लक्स जीरो है, तो उसमें अगर फ्लक्स जीरो है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कैसा होगा? जीरो। अगर उसमें ईएमएफ अभी जीरो इंड्यूस होगा तो उसमें मुझे एक बात बोलेगा स्पार्किंग ऑकर होगी? बिल्कुल नहीं। अगर स्पार्किंग ऑकर नहीं होगी दिस विल बी द केस ऑफ व्हाट? दिस विल बी द केस ऑफ सक्सेसफुल कम्यूटेशन। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था? उसके लिए जरूरी ये था कि आपके जो ब्रशेस थे ब्रशेस कहाँ पर रखने चाहिए थे? यहाँ पे। मतलब क्या पे? कहाँ पे? कहाँ पे रखने चाहिए थे ब्रशेस? जो मेन रिजल्टेंट फील्ड एक्सेस होती है उसको जो परपेंडिकुलर होता है एमएनए, एमएनए पे आपके क्या होने चाहिए? तो ब्रशेस होने चाहिए थे। इसका मतलब क्या? अब आप ब्रशेस को शिफ्ट करोगे, ब्रशेस को शिफ्ट करोगे। जब बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी सक्सेसफुल कम्यूटेशन की, तब अपन ब्रशेस को शिफ्ट करते थे। और ये भी मैं समझाऊंगा आपको, ब्रश को जब शिफ्ट करोगे तब भी आप क्या कर सकते हो? सक्सेसफुल कम्यूटेशन पा सकते हो। लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट। उससे अगर, क्योंकि एक 5 एम्पीयर करंट के लिए अगर वो इतना शिफ्ट करता है, 10 एम्पीयर के लिए और थोड़ा ज्यादा शिफ्ट करेगा, 15 एम्पीयर के लिए और भी थोड़ा ज्यादा शिफ्ट करेगा, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप? कंटिन्यूसली ब्रशेस को चेंज करते रहोगे? ये तो पॉसिबल नहीं यार। आइडियली मतलब मैन्युअली करते कितनी बार करोगे तुम उसको? ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल बता देता हूँ, वही से भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप और भी आर्मेचर करंट को अगर बढ़ाते गए, अगर और भी आर्मेचर करंट को अगर सपोज बढ़ाते गए, तो ये आ जाएगा आपके पास, इस टाइप से आ जाएगा फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स इस टाइप से आ रही। तो आपके पास अगर आप इन दोनों को जब ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने की वजह से देखिए क्या हो जाएगा। जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे इस टाइप से आ रहा, तो देखना कि इन दोनों के बीच में अभी क्या हो जाएगा। अब ये जो होगा ये क्या करेगा? 90 डिग्री उसको थोड़ा शिफ्ट कर देगा। ये क्या करेगा? अभी शिफ्ट कर देगा। और भी अगर आपने उसमें ऐड कर दिया, तो सपोज अगर यहाँ से सपोज अगर मैं कहीं अगर ऐसा कंसीडर कर लो उसको, ठीक है, यहाँ पे सपोज ऐसा किसी एक इंस्टेंट पे अगर सपोज मैं उसको कंसीडर कर लूँ, और यहाँ पे अगर सपोज मैं उसको ऐड करूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कितने, जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट बढ़ाओगे उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड तो चेंज नहीं होगी, फील्ड तो कॉन्स्टेंट ही होते आपके पास, ठीक है।
आइडियली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन कंसीडर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं, नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें तो मतलब देखा जाए तो भाई वो तो और भी ज्यादा शिफ्ट होते चले जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म होगी वो भी क्या कर जाएगी, शिफ्ट करते जाएगी। कहाँ से शिफ्ट कर रही है देख सकते हो आप, कि देखिए यहाँ पे कैसे था आपके पास फील्ड, जो मेन फील्ड थी वहां से देखिए पहले इतना शिफ्ट कर गई, और आपने आर्मेचर करंट बढ़ा दी तो और ज्यादा शिफ्ट कर गई, और भी आर्मेचर करंट बढ़ा दी तो आपने और ज्यादा शिफ्ट कर गई। मतलब क्या, ये जो फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म है देखिए आप देख सकते हो कि यहां से पहले इतना शिफ्ट कर दी, उसके बाद और आपने आर्मेचर करंट बढ़ा दी तो इतना शिफ्ट करेगी, और भी बढ़ा दिया तो इतना शिफ्ट करेगी, उससे भी और बढ़ा दिया तो इतना शिफ्ट करेगी। कंटिन्यू से शिफ्ट करते जाओगे क्या, मतलब उतने उसके अकॉर्डिंग आप ब्रश को चेंज करते जाओगे हमेशा, तो ब्रश को चेंज कर भी दोगे तो आप इतना ज्यादा कंटिन्यूस में कह सकते हो, इतना ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं मिलेगा ब्रश को भी आप शिफ्ट कर दोगे तब, क्योंकि कम्यूटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। किसी प्रॉब्लम हो जा रही है, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को अगर ओवरकम करना है तो और भी दूसरा डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आपके पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग वाला कंसेप्ट होता है, इंटरपोल वाइंडिंग का कंसेप्ट होता है, या जो पोल टिप्स होते हैं आपके पास, यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है इन दोनों के बीच में रिलक्टेंस को बढ़ा दीजिएगा, फिर आर्मेचर की, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होगा कि आर्मेचर रिएक्शन जो होगी उसको अगर मैं कम कर देता तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन कम कैसे करोगे तो अपन बाद में देखेंगे कैसे कम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म जो है आपके पास वो जो डिस्टॉर्ट हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो मेन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा था इसके पहले जितना था मेन फ्लक्स, अब जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा अभी तो वही डिक्रीज हो गया, अगर रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि देखिए रिजल्टेंट फ्लक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल बात बोलेगा टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, के टाइम्स ऑफ फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, अब फाई अगर डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो बैक ईएमएफ होता था आपके पास ईबी इक्वल्स टू व्हाट, के टाइम्स ऑफ फाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन, अगर यही डिक्रीज हो गया तो बोलेगा ईबी भी डिक्रीज हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें की है तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म जो कि वो शिफ्ट करते चले जाएगी, तो वैसे वैसे आपको ब्रश को शिफ्ट करना पड़ेगा। कम्यूटेशन उसमें इतना आसान नहीं होगा कि मतलब कंटिन्यूसली आप ब्रश को शिफ्ट करते चले जाओगे, तो मतलब सक्सेसफुल कम्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। उसको कैसे कराएंगे तो बाद में देख लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है उसमें, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये हो रहा है। अब मैं बात करूंगा कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स और व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे कि मैं बोलूंगा कि फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म, मैंने वहाँ पे बोला कि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है, बाद में बाकी जगह पे तो मतलब शिफ्ट कर जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म बढ़ने मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी जो होगी या रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू या मैग्नीट्यूड अगर बढ़ गया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ने की वजह से सैचुरेशन की ओर पे चला जाएगा, तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली आपके पास वहाँ पे जो भी कुछ आयरन लॉसेस होने वाले थे, मतलब उसमें बोलूँ तो हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे भाई, वो क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है कि बढ़ जाएंगे, मतलब कॉन्स्टेंट लॉसेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। और भी दो तीन बातें होती है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, उनको चाहे तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। आई होप कि शायद मैंने जो अभी तक जितना डिस्कशन किया पूरा डिस्कशन शायद आपको अच्छे से समझ में होगा। अब बात करते हैं अभी इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, क्या इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, अब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होने वाले इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो मैंने बोला कि आपके पास यहाँ पे जो क्वाड्रेचर एक्सिस है, यहाँ पे जो आपने ब्रश लगाया था, अब उस ब्रश के अक्रॉस में जो भी कंडक्टर आ रहा है उसमें ईएमएफ जीरो नहीं है। ईएमएफ क्यों नहीं जीरो, क्योंकि उसमें कुछ तो फ्लक्स डेंसिटी अवेलेबल है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे जो कंडक्टर आने वाला है कम्यूटेशन के लिए, इसमें देखिए कितनी फ्लक्स डेंसिटी है। जो भी फ्लक्स डेंसिटी देखोगे आप, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी मतलब ये वाली लाइन देख सकते हो कि आप, ये ग्रीन वाली लाइन एट जीरो पे अगर देखा जाए, मतलब क्या, जहाँ पे ब्रश पे देखा जाए तो उसमें कुछ तो निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसकी वजह से कुछ तो फ्लक्स होगा तो उसमें ईएमएफ आएगा। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे जो कॉइल आ रही है उसकी में जो कम्यूटेशन होने वाला था, अब वो कम्यूटेशन क्या होगा, उसमें सक्सेसफुल कम्यूटेशन होगा नहीं सबसे पहली बात, क्योंकि उसमें ईएमएफ आ रहा है, स्पार्किंग हो सकती है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं, जो ब्रशेस होंगे ब्रशेस का लाइफ भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरी बात कि जो आपके पास एक्चुअली जो कम्यूटेशन होना चाहिए था, कम्यूटेशन कहाँ पे होना चाहिए था, यही पे होना चाहिए था, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म जो है वो तो यहाँ पे मतलब वो क्या करके ऐसा कह सकते हो कि वो शिफ्ट करके बाय सम एंगल बीटा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपके पास फ्लक्स डेंसिटी मतलब जहाँ पे आपके पास फ्लक्स जीरो होगा उसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ जीरो होगा, वहीं पे कम्यूटेशन होना चाहिए, तभी तो आपको सक्सेसफुल कम्यूटेशन मिलेगा। अगर सक्सेसफुल कम्यूटेशन चाहते तो आपके ब्रश कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अगर होते तो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होता, फ्लक्स जीरो होता तो आपके पास ईएमएफ कैसा होता, जीरो होता, लेकिन ये तो
डिलेड कम्यूटेशन होता है। इसका मतलब क्या, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊँ तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कम्यूटेशन प्रॉब्लम आ रही है, स्पार्किंग वाले प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस हो सकती है वहाँ पे माइका इंसुलेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, ईएमएफ जो आ रहा है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या कर सकता है, इट कैन इंप्लाई और आई कैन से व्हाट इट कैन इंड्यूस स्ट्रेस ऑन द माइका इंसुलेशन विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन दिस टू कंडक्टर एंड व्हाट ब्रश, इन दोनों के बीच में जो होगा वो, ठीक है, वहाँ पे जो इंसुलेशन होगी उस इंसुलेशन के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होगा, डिलेड कम्यूटेशन की प्रॉब्लम आ रही है और ब्रशेज को भी शिफ्टिंग करने वाला प्रॉब्लम उसमें आ सकता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आ रहे हैं। तो सपोज अगर मैं बोलूँ तो आपको एक बात पता चल रही होगी यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो कम्यूटेशन बिकम्स पुअर, कम्यूटेशन becomes poor, या तुम उसको कह सकते हो कि delayed commutation, delayed commutation, ठीक है, this will lead to what, sparking at the brushes, sparking at the brushes, due to this the life of the brushes will decrease, due to this what, life of the brushes will decrease, or delayed commutation itself is the cause of what, poor commutation itself, it is what, cause of the poor commutation, so sparking will occur at the brushes, theek hai, emf induced will, induced emf will imply or I can say what, it will apply the stress on what, mica insulation, it will apply the what, stress on the mica insulation, emf induced in conductors, emf induced इन कंडक्टर, अभी कौन सा कंडक्टर है जो कम्यूटेशन के लिए ब्रश के अंडर में जा रहे हैं, उन कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर्स विल अप्लाई द स्ट्रेसेस, विल अप्लाई, इट विल इंप्लाई आई कैन से, या इम्पोज तुम कह सकते हो, इंप्लाई स्ट्रेस ऑन माइका इंसुलेशन, ऑन व्हाट, माइका इंसुलेशन, ठीक है। उसमें एक और बात आ सकती है कि जैसे भी आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इट इज शिफ्टेड बाय एन एंगल बीटा, और आई कैन कॉल इट इज व्हाट, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या कर गया आपका, शिफ्ट कर गया फ्रॉम जीएनए ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, तो इसकी वजह से क्या होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट जो होगा वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है, कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है, अगर फ्लैश ओवर हो गया तो प्रॉब्लम वही आ जाएगा, स्पार्किंग और डेटिमेंटल इफेक्ट वाली प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, ठीक है। फ्लैश ओवर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो आप समझ जाना कि फ्लैश ओवर मतलब इट इज ड्यू टू दी स्पार्किंग बिटवीन द वॉट कंडक्टर ब्रशेस एंड वॉट कम्यूटेटर सेगमेंट, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, फ्लैश ओवर, फ्लैश ओवर का मतलब क्या होगा, इट विल बी दी स्पार्किंग बिटवीन दी ब्रशेस एंड कम्यूटेटर सेगमेंट, सो दिस इज फ्लैश ओवर, ठीक है, इस टाइप से होगा। उसके बाद अगर सपोज मैं बात करूँ तो आयरन लॉसेस के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, या कॉन्स्टेंट लॉसेस तुम कह सकते हो उसको, ठीक है। तो आयरन लॉसेस क्या होगा, आयरन लॉसेस, अब सीधी बात की अगर रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी अगर आपके पास इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास आयरन लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, आयरन लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो लिखना उसको किस टाइप से, एज एज बी रिजल्टेंट इज इंक्रीजिंग, सो द आयरन लॉसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो वॉट, आयरन लॉसेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, और रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी मैंने जो एरिया बताया यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होगा, विच विल लीड टू द सैचुरेशन, ड्यू टू सैचुरेशन जितना पॉसिबल था इसके पहले जितना था उससे मैक्सिमम जितना फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम जो लॉसेस हो सकते हैं, मतलब आयरन लॉसेस, वो इंक्रीज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर केस में, बात समझ में आ गई, तो ये भी एक लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद होगा कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग, अभी देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग, अब ये पॉइंट ऐसा है, अगर अपन सबको चाहते हैं कि जो आर्मेचर रिएक्शन होने वाली है किसकी वजह से होती है, आर्मेचर फ्लक्स की वजह से होती है, और मैंने बोला कि आर्मेचर फ्लक्स के दो तीन अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है कि उसका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, दूसरा हो सकता है उसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और तीसरा क्या हो सकता है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्या हो सकता है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अगर मैं चाहता हूं कि इसके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो उसका कंपोनेंट है उसको अगर मुझे कम करना है, तो मतलब क्या, उसका जो इफेक्ट है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरा एक्चुअल जो मेन फील्ड है उस मेन फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो क्या करना चाहिए, उसे डोमिनेटिंग होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, जो आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आने वाला, उस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स
के ऊपर डोमिनेट करने वाला अगर फ्लक्स मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ बाय यूजिंग माय फील्ड वाइंडिंग, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, तो उसके लिए जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो भी अच्छी बात हो सकती है, या मैं कह सकता हूँ कि उसमें जो नंबर ऑफ जो उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अगर सपोज उसको मैं अगर थोड़ा बड़ा कर दिया, सपोज मैंने जो मेरी जो वायर है मेरे पास उस वायर की अगर मोटाई मैंने बड़ा कर दी, सपोज इफ आई यूज द थीकर कंडक्टर और वॉट मोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड थीकर कंडक्टर ड्यू टू दिस वॉट ड्यू टू दिस एक प्रॉब्लम तो एक होगा कि ठीक है कि मेरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होगा आर्मेचर रिएक्शन को थोड़ा कम हो जाएगा, आर्मेचर की वजह से आने वाला क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वाइंडिंग की तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या लेंथ भी बढ़ रही है कॉइल की, ठीक है, लेंथ बढ़ रही है मतलब क्या उसका साइज भी बढ़ेगा, साइज भी बढ़ा रहे हो लेंथ भी बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगी उस केस में, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कब, जब अपन उसका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को अगर कंपेंसेट कराने की बात करें तब की बात है, ठीक है, तो उसके लिए अपन और चाहेंगे कि डेफिनेटली उसको कंपेंसेटिव होना चाहिए, तो ड्यू टू दिस व्हाट कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग विल इंक्रीज, तो दीज आर व्हाट दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है, ये हुआ इसका, ये वो इसके इफेक्ट। अब इसके इफेक्ट है अपने पास आर्मेचर रिएक्शन, अपने समझ लिया क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, सब समझ लिया। अब अपन को ये समझना होगा कि भाई ये ऐसा क्या किया जा सकता है, इस आर्मेचर रिएक्शन को हटा दीजिएगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन अगर हट जाएगी तो जितने प्रॉब्लम मैंने बोले, क्योंकि कम्यूटेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, कम्यूटेशन अगर मुझे इंप्रूव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को मुझे कम करना पड़ेगा, उस इफेक्ट को कम करना पड़ेगा, या उसको अगर मुझे कंपेंसेट करना होगा तो उसके लिए मुझे कोई कंपेंसेटिंग डिवाइसेस उसमें लगाने पड़ेंगे, सो दैट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन विल गेट रिड्यूस्ड। तो उसको अगर रिड्यूस करना तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं क्या कर सकता हूं कि सपोज यहां पे जो आपके पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आ रही है, यहां पे जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो इफेक्ट आ रहा है इन दोनों के बीच में, इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जितना आर्मेचर की फील्ड की जो आर्मेचर की जो फील्ड है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबल है, उतनी फील्ड अगर मैं बाहर से लगा दूं इस तरीके से कि उसका डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन और ये जो आपके पास आर्मेचर फील्ड होगी उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाए, अपोजिट हो जाए, अगर दोनों का एक दूसरे का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो जितने क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ रहा था आर्मेचर फ्लक्स की वजह से, अब वो क्या हो जाएगा, नलीफाई, अब वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। और इसमें मैं देखिए मैं क्या कर सकता हूं, आर्मेचर के सीरीज में ही मैं उसको पुट कर रहा हूं, किसको, जो एक्सटर्नल जो मेरे पास जो अब मैं टर्न्स उसमें ऐड करूंगा, एक्सटर्नल छोटी सी जो वाइंडिंग होगी उसको मैं क्या करूंगा, आर्मेचर वाइंडिंग में ही मैं उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इस तरीके से कि उसका करंट और या उसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों का फ्लक्स कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, अगर दोनों का फ्लक्स अगर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, बट उसका जो प्लेसिंग होगा प्लेसिंग थोड़ा अलग जगह पर रखेंगे, प्लेसिंग कहाँ पे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहाँ पे आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, तो मैं देखिए इस जो पोल फेसेस है आपके पास, इन पोल फेसेस में क्या करूँगा, मैं जो मेरे पास कंपेंसेटिंग वाइंडिंग में उसको बोल रहा हूँ उस वाइंडिंग को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, इस तरीके से कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग बोथ विल बी इन सीरीज, बट द प्लेसिंग ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग विल बी इन द पोल फेसेस फॉर दिस रीजन, बिकॉज आर्मेचर का प्लस और इसका प्लस दोनों कैसे आ जाएगा, फिर एक दूसरे को कैंसिल करने वाला आ जाएगा, फिर मेरी जो मेन फील्ड वाइंडिंग जो गया उसकी वजह से आने वाला जो फ्लक्स होगा मेन फ्लक्स उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये हुआ किसकी वजह से, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की वजह से, लेकिन कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की वजह से तो सिर्फ इतना जो रीजन होगा इतना ही रीजन का और इतना ही रीजन का, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे भी प्लेस करना पड़ेगा, तो बस इतने ही रीजन का क्या हो रहा है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन का क्या हो रहा है, फ्लक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेंसेट कर पा रहा हूँ, लेकिन बाकी जो दूसरा रीजन है मतलब कि इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है और इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है उसको तो कंपेंसेट नहीं कर पा रहा मैं, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेंसेट नहीं कर पा रहा हूँ तो इनको कंपेंसेट कैसे किया जाएगा, इसको अगर कंपेंसेट करना है कि देखिए ये जो रीजन होता है क्यू एक्सिस वाला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरपोलर रीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, इंटरपोलर रीजन, द रीजन बिटवीन टू पोल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, इंटरपोलर रीजन। अब ये जो इंटरपोलर रीजन होगा इसमें क्या करूंगा, मैं एक ऐसे वाइंडिंग पेट पुट कर दूंगा, ऐसे पोल्स क्रिएट करूंगा कि इसकी वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसकी वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जो आर्मेचर फ्लक्स जो था उसका जो डीमैग्नेटाइजिंग वाला कंपोनेंट था, या मैं कह सकता हूं कि उसका जो फील्ड कंपोनेंट था कि जो उसको प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे मेन फील्ड को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको अब क्या करेगा, जो एक्सटर्नल में जो इंटरपोल्स वहां पे लगा दूंगा वो क्या करेंगे, उसको नलीफाई कर देंगे, वो क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। इतना क्लियर हो गया, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एक उसका रीजन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपके पास इंटरपोल्स हो सकते हैं, तीसरा देखिए इन दोनों के बीच के अगर मैं थोड़ी एरिया पर बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एरिया बढ़ने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, रिलक्टेंस अगर बढ़ गया तो जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट था आर्मेचर फ्लक्स का वो ज्यादा इतना डोमिनेटिंग नहीं रहेगा और जो मेन मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट मेन फ्लक्स, ठीक है, तो एयर गैप का अगर मैं बढ़ा दिया तो वो भी उसका एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा बेनिफिट अगर देखा जाए तो मतलब दूसरा सॉरी नेक्स्ट अगर उसका अगर मैं रीजन ये बताऊँ कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी हेल्प से मैं उसको कम कर सकता हूँ, तो मैंने बोला कि रिलक्टेंस को अपन बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप उसको बढ़ा सकते हैं, या डायरेक्टली जो पोल्टी पे उसके रिलक्टेंस अगर मैंने बढ़ा दिया तो भी क्या मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से भी
एयर गैप बढ़ाने से भी क्या हो सकता है, एयर गैप बढ़ाने से भी रिलक्टेंस बढ़ सकता है, या डायरेक्टली यही पे डायरेक्टली मैं क्या कर दूँ, यही पे अगर मैं जो पोल टिप्स है उसको ही मैं क्या करता हूँ, सपोज अगर मैं यही आई इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द पोल टिप्स तो भी क्या हो सकता है, तो भी वही मतलब तभी भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसका रिलक्टेंस बढ़ा सकता हूँ। मतलब क्या डिस्टेंस इतना ही रहना तो बस इसका रिलक्टेंस बढ़ा दो तो भी हो सकता है, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दो तो भी एयर गैप की लेंथ बढ़ाने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, ये भी उसका एक अलग मीन्स, दिस कैन ऑल्सो भी डिफरेंट रीजन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन रिड्यूस आर्मेचर एक्शन। तो इसे बहुत अलग अलग रीजन है कि जिनकी हेल्प से अपन कर सकते हैं, मैं सभी को लिख देता हूँ आपको कि क्या क्या डिफरेंट ये हो सकते हैं कि जिनकी हेल्प से अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमेडीज में कह सकता हूँ उसको, ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, जगह नहीं अभी, ठीक है, रिमेडीज ऑफ आर्मेचर एक्शन। रिमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, अब इसके आर्मेचर रिएक्शन के रिमेडीज देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने बोला आपको कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, क्या बोला मैंने, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का इफेक्ट कैसा क्या होता है ये सब मैंने आपको बता दिया है, क्या बस मैं उनको लिखते चला जाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। सो दिस इज कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। सेकंड क्या हो सकता है आपके पास, इंटरपोल्स, क्या हो सकता है, इंटरपोल्स, सो विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल्स ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इंटरपोल्स। तीसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन वॉट स्टेटर एंड आर्मेचर एंड वॉट जो आपके पास पोल से उन दोनों के बीच में क्या, एयर गैप बढ़ाने से, सो लेंथ ऑफ एयर गैप इंक्रीज, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एयर गैप, देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज वॉट इंक्रीज, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एयर गैप बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नथिंग बट बाई इंक्रीजिंग द रिलक्टेंस ऑफ पोल टिप्स, इंक्रीजिंग द रिलक्टेंस ऑफ पोल्टी। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, उसके रेमेडीज हो सकते हैं कि जिसके हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। तो जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, इंटरपोल्स क्या हो सकता है, ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं अपन को आर्मेचर रिएक्शन को इलिमिनेट करने के लिए, ये सब बातें इसके बाद जो लेक्चर आएगा आपके पास उसमें मैं डिस्कस करूंगा। और मुझे लगता है कि आई होप कि शायद आपको मैंने आज जितना भी पढ़ा है, क्योंकि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है, उसको नलीफाई कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ब्रश शिफ्ट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएंगे, जो भी कंडक्टर होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी अगर सपोज मैं पूरी की पूरी जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको थोड़ी समरी बताऊंगा तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल्स को यूज करके और ब्रश शिफ्ट करके भी मैं बताऊंगा कि उसको आर्मेचर रिएक्शन किस टाइप से अपन कम कर सकते हैं, और इसके इफेक्ट जो होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आर्मेचर रिएक्शन के ये वाले सारे इफेक्ट, इनको भी कैसे कम किया जा सकता है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।